हेलो दोस्तों, इस वक्त हम हैं कुशीनगर में। दोस्तों आज हम चल रहे हैं कुशीनगर, वो स्थान जहां भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। कुशीनगर में बौद्ध काल के स्तूप व अवशेष तथा कई प्रकार के सुंदर और कलात्मक मंदिर दर्शनीय हैं। उत्तर प्रदेश की हमारी इस यात्रा के पिछले वीडियो में हमने गोरखपुर के दर्शन किए थे। वहां से दर्शन करके हम दोपहर के बाद चले तो कुशीनगर पहुंचते पहुंचते हमें शाम हो गई। यहां पहुंचकर हमने विंध्यवासिनी गेस्ट हाउस में विश्राम किया और अगली सुबह हम निकल पड़े इतिहास के उन पन्नों को जानने के लिए जो यहां बिखरे अवशेषों के माध्यम से वर्तमान को हजारों साल पुरानी कहानियों से जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं रामाभार स्तूप। हेलो दोस्तों, अभी हम हैं कुशीनगर में और इस वक्त हम आए हैं रामाभार स्तूप देखने। यहाँ पर एंटर करते ही ये जो परिसर है इसमें एंटर करते ही यहाँ पर एक ये शिलालेख लिखा है जिस पर इस रामाभार स्तूप के बारे में जानकारी दी गई है। माना जाता है कि 15 मीटर ऊंचा ये स्तूप उसी स्थान पर बना है जहाँ महात्मा बुद्ध का 483 ईसा पूर्व अंतिम संस्कार किया गया था। इसमें लिखा है कि रामाभार नामक झील के निकट अवस्थित ये स्तूप संभवतः भगवान बुद्ध के अंतिम संस्कार स्थल का द्योतक है। बौद्ध परंपराओं में इसे मुकुट बंधन चैत्य के रूप में जाना जाता है। सन 1910 ईस्वी के उत्खनन से इसके गर्भ में दीवार के कोणों के अतिरिक्त वृत्ताकार स्तूप का आंशिक रूप से पता चला था, जिसका पूर्ण अनावरण सन 1956 ईस्वी में हुआ। इस विशाल स्तूप की मेथी का व्यास 34.14 मीटर है, जो कम से कम दो उपानों से युक्त नींव के ऊपर निर्मित है। इस स्तूप के चारों ओर अनेक मनोती स्तूपों के अतिरिक्त कई अन्य भग्नावशेष हैं, जिनमें एक बड़े आयताकार कक्ष के अवशेष विशेष उल्लेखनीय हैं। दोस्तों ये है रामाभार स्तूप, जिसके बारे में मान्यता है कि महात्मा बुद्ध का अंतिम संस्कार इसी स्थान पर हुआ था। कहते हैं कि ये स्तूप महात्मा बुद्ध की मृत्यु के समय कुशीनगर पर शासन करने वाले मल्ल शासकों द्वारा बनवाया गया था। अब हम चलते हैं महापरिनिर्वाण स्तूप और मंदिर। दोस्तों ये है महापरिनिर्वाण स्तूप, जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस ली थी। यहाँ महापरिनिर्वाण स्तूप पर उन्होंने अंतिम सांस ली और उनका जो अंतिम संस्कार है, उसके बाद जो हमने देखा था रामाभार स्तूप, वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया गया था। कुशीनगर एक ऐतिहासिक स्थल है। आपने इतिहास के पाठ्यक्रम में 16 महाजन पदों के बारे में पढ़ा होगा। उन्हीं 16 महाजन पदों में एक था मल्ल महाजन पद, जिसकी राजधानी थी ये कुशीनगर। तब से ये नगर मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त, हर्ष और पाल राजवंशों के तत्कालीन साम्राज्यों का एक अभिन्न अंग बना रहा। रामाभार स्तूप से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही महापरिनिर्वाण स्तूप व मंदिर स्थित है, जो कुशीनगर का मुख्य आकर्षण है। यहाँ गौतम बुद्ध की 6.10 मीटर लंबी यानी लगभग 20 फीट लंबी प्रतिमा स्थापित है। मान्यता है कि यहाँ महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था और वे अपना भौतिक शरीर त्याग कर इसी स्थान से अनंत में विलीन हो गए। मंदिर में प्रवेश करते ही इस विशाल प्रतिमा को देखकर एक ही विचार मन में आता है और वो है बुद्धम शरणम गच्छामि। ये प्रतिमा पत्थर से बनी है जिस पर सुनहरा रंग चढ़ाया गया है। यहाँ हर दिन बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षु अपने आराध्य भगवान बुद्ध की इस तीर्थ नगरी में दर्शन करने आते हैं। वे यहाँ इस मंदिर में प्रार्थना करते हैं और यहाँ के उद्यानों में धार्मिक प्रवचन करते हैं तथा विश्राम करते हैं। बौद्ध धर्म से जुड़े साहित्य के अनुसार 80 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध ये जान चुके थे कि उनका अंत अब निकट ही है, इसलिए उन्होंने ये घोषित कर दिया था कि बहुत जल्दी ही वो महापरिनिर्वाण की अवस्था में पहुंच जाएंगे। इस कथन के बाद
एक दिन बुद्ध यात्रा करते हुए पावा नामक गांव में आए। उस समय मल्ल महाजनपद में कुशीनगर से लगभग 15 किलोमीटर पूर्व दिशा में ये गांव हुआ करता था, जो वर्तमान में पडरौना कहलाता है। यहाँ कुंडा नामक एक लोहार ने प्रेमवश महात्मा बुद्ध को भोजन हेतु आमंत्रित किया। बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ कुंडा लोहार के आम के बाग में गए और वहीं अपने जीवन का आखिरी भोजन किया। इसके बाद वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। लोहार को लगा कि उसके हाथ से खाने के कारण महात्मा बुद्ध की ये हालत हुई है, इसीलिए महात्मा बुद्ध ने अपने एक अनुयायी आनंद से कहा कि कुंडा से जाकर कहना कि इसमें उसका कोई दोष नहीं है, उसका भोजन अतुल्य था। जहाँ कुंडा का घर हुआ करता था वहाँ भी एक स्तूप स्थित है। फिर बीमारी की दशा में ही पावा से कुछ नदी को पार करके बुद्ध यहाँ कुशीनारा या वर्तमान कुशीनगर पहुँचे और इसी स्थान से वे परमलोक सिधार गए। दोस्तों ये था महापरिनिर्वाण स्तूप और इसके सामने ही यहीं पर इसी परिसर में ये कुछ भग्नावशेष जो प्राचीन जो बौद्ध विहार यहाँ हुआ करता था उसका ये भग्नावशेष है। ये यहाँ पर एक शिलालेख लगा है जिसमें लिखा है कि ये स्थान मल्लों की राजधानी थी। इसे बौद्ध साहित्य में कुशीनारा, कुशीग्राम आदि नामों से भी उल्लेखित किया गया है तथा बौद्ध ग्रंथ महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार स्वयं भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए बौद्धों के चार प्रमुख तीर्थ स्थलों में से ये एक है। यहीं पर वैशाख पूर्णिमा के दिन तथागत ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। इसके बाद उनकी यहाँ से ले जाकर के ये जो पास में ही जो रामाभार स्तूप आपने देखा था वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। और दोस्तों ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे जो है कक्ष बने हुए हैं, संभवतः ये बौद्ध भिक्षुओं के ध्यान लगाने के ये कक्ष हुआ करते थे। ये बीच में यहाँ पर एक फाउंटेन प्रतीत होता है और इस फाउंटेन के चारों तरफ ये कक्ष बने हैं। निर्वाण स्तूप से लगभग 400 गज की दूरी पर ही स्थित है माथा कुंवर मंदिर। यहाँ बोर्ड पर इसका नाम माथा कुंवर ही लिखा है, लेकिन संभवतः ये माथा की बजाय मठ होना चाहिए, क्योंकि ये जो स्थान है ये एक विशाल बौद्ध मठ का ही एक अंग हुआ करता था, जिसके अवशेष यहाँ मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही देखे जा सकते हैं। इस स्थान की खुदाई 1876 में कार्लाइल ने करवाई थी और उसके बाद अन्य आर्कियोलॉजिस्ट ने भी यहाँ उत्खनन करवाया, जिसमें भगवान बुद्ध का ये मूल मंदिर निकला था। इस खुदाई से मंदिर में भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी निकली, जिसे पास ही एक नया मंदिर बनवाकर उसमें स्थापित कर दिया गया। ये वर्तमान मंदिर 1927 ईस्वी में बनवाया गया था। इसमें स्थापित भगवान बुद्ध की ये 3 मीटर लंबी प्रतिमा गया क्षेत्र में मिलने वाले नीले पत्थर से बनी है, जिसमें भगवान बुद्ध पर सुनहरे रंग की परत वर्तमान में चढ़ाई गई है। इस प्रतिमा में भगवान बुद्ध भूमि स्पर्श मुद्रा में बोधि वृक्ष के नीचे विराजमान हैं। इस प्रतिमा के तल में खुदे अभिलेख से पता चलता है कि इस मूर्ति का संबंध 10वीं-11वीं शताब्दी से है। इसके अलावा कुशीनगर के अन्य दर्शनीय स्थानों में एक है भगवान बुद्ध को समर्पित थाईलैंड के राज परिवार की तरफ से बनाया गया ये वाट थाई मंदिर, जो बौद्ध वास्तुकला पर आधारित है। इसमें भगवान बुद्ध की सोने की विशाल प्रतिमा दर्शनीय है। इसके पास ही स्थित है जापान श्रीलंका बुद्धिस्ट सेंटर। इसमें एंटर करते ही एक खूबसूरत पार्क के बीच में वर्गाकार चबूतरे पर ईंटों से बना हुआ ये गोल गुंबददार मंदिर दर्शनीय है। ये बहुत सुंदर पार्क है। मंदिर तक ऊपर जाने के लिए ईंटों की ही सीढ़ियां हैं। ईंटों की ये पूरी इमारत ही देखने में बहुत ही आकर्षक है। ऊपर पहुंचने पर ये मंदिर का गेट है। यहाँ
मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं है, बल्कि इस गेट से ही दर्शन करने होते हैं। मंदिर में सामने की ओर भगवान बुद्ध की प्रतिमा है और पीछे दीवार पर इंक से बने कई चित्रों के फ्रेम लगे हैं। अब हम चलते हैं म्यांमार स्तूप का महासुखमदादा चिनथरगी पगोड़ा देखने के लिए। तो दोस्तों ये है क्षिति गर्भ, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही ऊंची ये मीनार सी यहाँ पर स्थित है, गोल्डन कलर की सी, गोल्डन टेंपल भी कहते हैं। हर तरफ यहाँ पर कुछ प्रतिमाएं स्थापित हैं। ये दोस्तों ये यहाँ पर महात्मा बुद्ध की प्रतिमा है और महात्मा बुद्ध के पीछे चलते ये बौद्ध भिक्षुक सात वारों की भी यहाँ पर प्रतिमाएँ हैं। ये संडे के आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर मंडे की प्रतिमा है, ये यहाँ पर है मंगलवार यानी कि ट्यूसडे, ये ट्यूसडे की प्रतिमा है, ये यहाँ पर बुधवार यानी कि वेडनेसडे की प्रतिमा है। वेडनेसडे के यहाँ पर नीचे की तरफ ये महात्मा बुद्ध की प्रतिमा है और उसके नीचे एक हाथी की प्रतिमा है, छोटी प्रतिमा है, और हर दिशाओं में यहाँ पर ये महात्मा बुद्ध की प्रतिमा विराजमान है। तो दोस्तों भगवान बुद्ध से जुड़ी ये पावन स्थली कुशीनगर और यहाँ के ये दर्शनीय स्थान आपको कैसे लगे कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।